हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपके जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। मैंने सारे क्वेश्चंस को छांट करके सिलेक्ट करके ही इनका एक पेपर तैयार किया हुआ है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इसमें आंसर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे जो सिलेक्टेड प्रश्न ही होंगे। तो आप इनको, अगर आपकी प्रिपरेशन टेट और सी टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो प्लीज इन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र जो है उसको कहते हैं फिजियोग्राफ और सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो आंसर आप जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका हमारा ऑप्शन सही होता है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे इन सारे क्वेश्चन पर। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो देखिए, जो सूर्य के निकटतम ग्रह होता है इसका आंसर आप लोग बताइए, ज्यादा समय मत लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे लाइव सेशन की और जो भी अपलोडिंग की जाए तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख पाए। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो है बुध। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है हिमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराज जय सिंह ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या भारत में? तो देखिए, भारत में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल भारत में ही है। अगला है देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो कितने होते हैं? 12, 18, 20 या 22? तो इसका हमारा आंसर सही होगा 12, 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रतिभाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। एटीएम का पूरा रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या ऑडिट टेलर मशीन? तो इसका आंसर सही होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न देखिए, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनोफ्लीज मच्छर? तो सही आंसर होगा इसका एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? अमाशय, यकृत, आंत्रया, वृक्क? तो सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो सबसे पहले पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था ये है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। सबसे पहले इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, क्वाशरकोर नामक रोग किस कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? तो क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। रिएक्टर पैमाने से तीव्रता मापी जाती है ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की या चक्रवात की? तो इसका हमारा आंसर सही होता है भूकंप। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर से के प्रथम माह में, अगस्त के प्रथम माह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं? तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका आंसर सही होगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हरे पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल,
थायरोक्सिन या थायमिन। तो देखिए जो आंसर सही होगा इसका थायमिन होगा। और चावल में विटामिन B1 पाया जाता है, और B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। अगला प्रश्न है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, जड़, तना, फूल या फल। तो लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा का अप्रदुष्की स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम। तो इसका हमारा आंसर सही होगा पौधे। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो जो ओजोन परत होती है जो सूर्य की जो रेजेस होती है, हार्मफुल रेजेस होती है, अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उनसे हमें बचाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल होता है जहाँ का वातावरण वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसकी यहाँ की परिस्थिति अनुकूल होती है, समताप मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसका आंसर सही होगा मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आज का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुत्ता मछली का आवास है, नदी, तालाब, झील या समुद्र। तो सही आंसर होगा समुद्र। सी एन जी का पूरा रूप है कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो सी एन जी का पूरा रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर जल्दी बताइए। सही आंसर होगा इसका नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना जो भाग होता है वो स्थानांतरित होता है, 25%, 30%, 50% या 10%। तो इसका सही आंसर होगा 10%। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो है बाल विवाह से। इसमें लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष दी गई थी। अगला प्रश्न, डेसिबल निम्न में से किसे मापने की इकाई है, गहराई, ध्वनि, तापमान या वायु दाब। तो डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो सही होगा 71% जल है पूरी पृथ्वी से ढका हुआ, जो पृथ्वी है वो 71% जल से ढकी हुई है और केवल 29% पर ही स्थल है। 29वां क्वेश्चन है और 29% है, तो आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। तो आंसर सही होगा उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 प्रश्न थे, प्रैक्टिस सेट थे, सारे क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड हैं, मैंने खुद हैंडमेड बनाए हुए हैं, हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन है। तो आप इन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। और प्लीज जो भी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पहुंचे इसके लिए आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू एंड बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।